अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही यमी रसमलाई की रेसिपी। आप इसे बगैर छेने के आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, आंच को मीडियम टू हाई कर लेंगे। और दूध में ऐड करेंगे 5 हरी इलायची। अब दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में उबाल आने पर आंच को स्लो कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक दूध स्लो पर कुक हो रहा है हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। रसमलाई का डो तैयार करने के लिए बॉल में डालेंगे 200 ग्राम दूध का पाउडर। ये 100 ग्राम का कप है, इससे हम 2 कप नाप के डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तेल। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 फेटा हुआ अंडा डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे गूंदना नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से मिलाना है। और अगर जरूरत हो तो 1 से 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डो तैयार है, अब इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। बिना क्रैक के स्मूथ टिकिया बनाएंगे। टिकिया तैयार है, अब इसे फौरन दूध में ऐड करेंगे। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। और इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे, जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाते। ये साइज में डबल हो गया है और दूध के ऊपर आ गया है। रसमलाई तैयार है। अब आंच बंद कर दे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दे। गार्निश के लिए डालेंगे थोड़ा सा स्लाइस किया गया पिस्ता और थोड़ा सा जाफरान ऐड करेंगे। सर्व करने से पहले इसे 3 से 4 घंटे फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। आपको हमारी यमी सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।